शुरू हो गया है राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा। हर तीसरी सीट पर होगी कांग्रेस बीजेपी में टक्कर। 2024 के चुनाव का आगाज हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि क्या न्याय यात्रा से राहुल गांधी 2024 में किला फतह कर पाएंगे? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है। मणिपुर से शुरू करते हुए इस यात्रा में राहुल गांधी 66 दिनों के लिए 6,700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ऐसे तो भारत न्याय यात्रा 15 राज्यों से गुजरेगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ कुछ ही हिस्सों को ये टच करेगी। यूपी के साथ यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगी। कांग्रेस भारत के पूर्व से पश्चिम तक की इस यात्रा के जरिए अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लोगों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने का प्रयास करेगी। आपको बता दें कि ये जो यात्रा है वो ज्यादातर सफर उसका बस से तय किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। यात्रा के कुछ छोटे हिस्सों को रुक रुक कर पैदल भी कवर किया जाएगा। इस दौरान यात्रा देश के 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर के गुजरेगी। ये यात्रा सबसे ज्यादा दिनों तक उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। कांग्रेस की ओर से बताया गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में 11 दिनों तक रहेगी और इस दौरान 20 जिलों में करीब 1,074 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। हालांकि यात्रा की लॉन्च पर कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 को चुनाव से अलग करने की मांग की है और कहा है कि ये मोदी सरकार के 10 साल के अन्याय काल के खिलाफ है। लेकिन इस यात्रा को लोग पूरी तरीके से चुनाव से ही जोड़ रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा से काफी सारी सीटें चुनाव के लिए भी जुड़ रही हैं जहां कांग्रेस कमजोर रही है। न्याय यात्रा के जरिए पूर्वोत्तर में 4 राज्यों पर मुख्य रूप से फोकस कर रही है। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 19 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस को 19 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 11 पर दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस को इस बार मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और असम में बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है। असम की 9 सीटों पर कांग्रेस पिछले बार दूसरे नंबर पर थी। इनमें से 3 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार 1,00,000 से भी कम वोटों से हारे थे चुनाव। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सबसे ज्यादा समय उत्तर प्रदेश को देगी और वोटर्स को साधने की कोशिश भी करेगी। 11 दिन यूपी में यात्रा के दौरान लखनऊ और वाराणसी जैसे वीआईपी इलाके तो कवर होंगे ही, साथ ही साथ कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी और रायबरेली में भी पार्टी अपना खोया जनाधार ढूंढने की कोशिश करेगी। यात्रा रोहेलखंड और ब्रिज क्षेत्र के जिलों से भी गुजरेगी। कांग्रेस हर हाल में इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों में वृद्धि करना चाहती है। यूपी के करीब 12 जिलों से राहुल की न्याय यात्रा को निकालने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। यात्रा के जरिए पार्टी 12 जिलों की 15 सीटों पर जनाधार मजबूत करना चाहती है। इनमें उन्नाव, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली जैसे प्रमुख सीटें शामिल हैं। 2009 में कांग्रेस को इन सीटों पर जीत मिली थी। यात्रा के जरिए कांग्रेस 2009 में जीती हुई सीट पर दावेदारी भी मजबूत करना चाह रही है। वजह सपा से गठबंधन है। सपा कांग्रेस को 8 से 10 सीट ही बस इस बार देना चाह रही है। पार्टी ने इसके पीछे कमजोर संगठन की बात कही है। इसके बाद गुजरात और राजस्थान में भी कांग्रेस के सामने शून्य से उभरने की चुनौती सामने आई है। 2014 और 19 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दोनों ही राज्यों में 0 सीट मिली थी। दोनों ही जगह पर लोकसभा की कुल 51 सीट है। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों से होकर गुजरेगी, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। गुजरात की 8 सीटों में राहुल गांधी की यात्रा गुजरने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। इसमें वालसाड, बरदौली, छोटा उदयपुर और भरूच प्रमुख है। 2009 में कांग्रेस को वालसाड, बरदौली और बहोद जैसी सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद अंत में मणिपुर से निकलने वाली भारत न्याय यात्रा मार्च के तीसरे हफ्ते में महाराष्ट्र पहुंच जाएगी। यात्रा का आखिरी पड़ाव मुंबई है। कांग्रेस की नज़र 2009 की लोकसभा सीटों पर है। 2009 में कांग्रेस मुंबई की 6 में से 5 सीटें जीती थी। एक पर सहयोगी एनसीपी को जीत मिली थी। 2019 में मुंबई की 6 में से 3 पर शिवसेना और 3 पर बीजेपी को जीत मिली थी। कांग्रेस यात्रा के जरिए गठबंधन में अधिक सीटों पर दावेदारी भी मजबूत करना चाह रही है, जिसमें 2009 जैसा परफॉर्मेंस किया जा सके। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो बिल्कुल भी चुनाव से ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन जो प्लानिंग हुई है उससे देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद ये चुनाव से ताल्लुकात रखता है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एंकर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।